बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ायका टीवी की स्पेशल रमदान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। प्रोग्राम है कुकिंग स्टाइल विद फरज हासिब खान और आपका खूबसूरत साथ। इस प्रोग्राम में हस्ब मामूल रेसिपीज़ आज की बहुत मज़ेदार हैं और ऐसी मज़ेदार हैं कि जिसकी फरमाइश बहुत दफ़ा बार बार आती है और बहुत ही हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। आज मैं आपको बेसिकली लंच या डिनर का एक मेन्यू सिखाने जा रही हूँ और वो मेन्यू ऐसा है कि मुझे बहुत दफ़ा ईमेल्स किया जाता है, चाहे मैं ऑन स्क्रीन हूँ या चाहे मैं ऑफ स्क्रीन हूँ। रेसिपी है जनाब टिपिकल ढाबा माश फ्राइड, जो आपको मिलती है रेस्टोरेंट्स के अंदर या स्पेशली अगर आप पाकिस्तान टूर पर हों, आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, तो एक दाल होती है बहुत ही मज़ेदार जो अमूमन रास्ते में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें मिलती है मक्खन के तड़के के साथ। और उसके अलावा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई, जो कि अगेन आपको ढाबों पे मिलती है या आपको जो हाईवे के रेस्टोरेंट्स होते हैं, और कराची में भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हाईवे पे हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं स्पेशली ये कढ़ाई और इस तरह की माश की दाल खाने के लिए। तो ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेपिंग को फॉलो कीजिएगा कि जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगी और आपको अपने घर में जो है फलाने वाले रेस्टोरेंट का मज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल है हम रेसिपी का बाकायदा आगाज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूँ करते हैं दोस्तों के ढाबा चिकन कढ़ाई जो है उसके लिए हम काम शुरू करते हैं। मैं एक काम कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले कि मेरे पास एक चिकन है जो कि 16 पीसेस में कटा हुआ है, बिकॉज कढ़ाई कट है। तो मैं उसके लिए मनपसंद कुकिंग ऑयल जो है वो कढ़ाई में गरम करने जा रही हूँ, और इस रेसिपी में स्लाइटली हमें ऑयल जो है वो रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। मनपसंद कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी और चिकन को फ्राई करके मुझे निकालना है। और मनपसंद कुकिंग ऑयल जो है वो आप सब जानते हैं कि खाने में लाइट है, हीट से बिल्कुल पाक है, और विटामिन ए और विटामिन डी इसमें शामिल है। लिखते हैं इसकी रेसिपी कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। एक अदद चिकन चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया 16 पीसेस उसके आप बनवा लीजिए। दही आपको एक कप की ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन 3 से 4 अदद आपको टमाटर चाहिए इस रेसिपी के लिए। हरा धनिया आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको इस रेसिपी में सूखा कुटा हुआ धनिया चाहिए, मेथी चाहिए, ड्राई मेथी, सूखी मेथी, ये हम डालेंगे इसमें। आखिर में बिल्कुल जब हम दम पे रखेंगे तो हम इसमें मक्खन डालेंगे 2 टेबल स्पून, नमक डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा भी डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन और पिसा हुआ गरम मसाला। ये हैं टोटल इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के। हम चिकन को फ्राई करते हैं और साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? फरंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। कौन है हमारे साथ? मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ, अजबा। अच्छा, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ फरंटी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। अच्छा, थैंक यू बेटा, आपकी मोहब्बत है बहुत सारी। आप ठीक हैं जी? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, बस आपके शो की तारीफ करना चाहूँगा। आंटी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ चली गई थी बेटे? मैं कहीं नहीं गई थी, बस यहीं थी, थोड़ा इधर उधर जरा अपने अपने कामों से बिजी थी। अच्छा, अब आपने कहीं नहीं जाना? अच्छा, मैंने कहीं नहीं जाना, आपके पास रहने। चलो, थैंक यू सो मच, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। रमदान जो है मेरा भी बहुत खूबसूरत गुजर रहा है आप लोगों के हमरा, और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ रोज़ाना जो है वो मैं आपके लिए तैयार करती हूँ। उसके अलावा कोशिश कर रही हूँ कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको जो है कुकिंग के अलावा भी जो है कुछ नॉलेज फराहम किया जाए जो कि इस्लामिक नॉलेज हो। हम मुसलमान हैं, हम फॉलो करते हैं इस्लाम को, लेकिन बहुत सारी जुज़ियात के बारे में हम इल्म नहीं रखते। तो नौरीन का भी बहुत खूबसूरत साथ है, उसके अलावा आपका प्यारा प्यारा साथ तो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए होता ही है रोज़ाना।
सो प्रोग्राम ज़रूर नया है लेकिन उसी अपनेपन, उसी प्यार और उसी अपनाइयत के साथ जो मेरी और आपकी हमेशा से है, बहुत सालों का साथ हो चुका है। अच्छा दोस्तों, यहाँ चिकन फ्राई होने के लिए चला गया है, इसको मैं फ्राई करूँगी और मुझे जो है प्लीज़ स्टोर से जो है एक ग्लव दे दीजिएगा ताकि ये हैंडल गर्म होगा तो मैं उसको पकड़ सकूँ। हम चल रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब जो कि है ढाबा माश दाल। और ढाबा माश दाल जो है अगेन बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है और अमूमन जब आप PTDC के मोटेल्स में जाते हैं तो ये उनकी एक स्पेशलिटी होती है, मुझे बड़ी मज़े की लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं जो भी खाना मंगवाती हूँ तो उसमें ये ख़ास तौर से ज़रूर मंगवाती हूँ बिकॉज ये बड़ा मज़े की लगती है। जो ताज़ा बने हुए नानों के साथ जब ये आती है मक्खन के तड़के के साथ तो बहुत अच्छी, बहुत लजीज लगती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा लिखिए मेरे साथ। आपको प्याज चाहिए, बिल्कुल चंकी कटे हुए आप प्याज ले सकते हैं, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 जो है वो प्याज है, 250 ग्राम माश की दाल है, ठीक है। हरा धनिया हमें इसमें डालना है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम ढाबा की दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। एक टमाटर है जो कि बिल्कुल क्यूबिकल छोटा कटा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्चें इसमें डलेंगी, वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा डालेंगे लेकिन तकरीबन 5 से 6 अदद ज़रूर डालिएगा और मोटी कटी हुई। मक्खन आखिर में हम इस पर डालेंगे, अदरक इसमें जाएगा जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, सफ़ेद ज़ीरा अगेन हम सबके किचन्स में मौजूद, हल्दी भी हमें डालनी है इस रेसिपी में, लाल मिर्च की हमें ज़रूरत पड़ेगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, लहसुन तकरीबन 4 कलियाँ और नमक, ये हमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं पर्टिकुलरली इस रेसिपी में चाहिए। और फिर आखिर में हम थोड़ा सा इस पर भी जो है भुरकेंगे गरम मसाला। इस रेसिपी का भी दोस्तों काम शुरू करते हैं और किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं मनपसंद कुकिंग ऑयल जो है वो डाल रही हूँ पैन में और उसको डालने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि मैं प्याज जो है वो इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इस रेसिपी में प्याज मुझे ब्राउन नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा, अगर प्याज बहुत ब्राउन हो गए तो फ्लेवर जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, गुलाबी करने है प्याज। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरापी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फरापी, मैं नायला बात कर रही हूँ असलम दाल से। हसन अब्दाल से याद हो? बिल्कुल याद आ गया मुझे, क्या हाल है नायला, ठीक हो तुम, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ गायब हो गई थी? बस यार, बस जहाँ भी गायब हुई थी दोबारा अपेयर हो गई हूँ, आ गई हूँ सामने। कल मैंने आपको देखा है ना तो बस मुझसे रहा ही नहीं गया। अरे थैंक यू, कल कॉल मिलाती रही हूँ, बिजी मिलता रहा है ना। अच्छा हाँ, कल हमारे एक्चुअली अभी कितने दिन हो गए मुझे, फर्स्ट रमज़ान से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो 13 दिन से ज़्यादा मैं लगातार प्रोग्राम कर रही हूँ जायका के ऊपर, तो अब सब पुराने जो कॉलर्स हैं लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है तो सारे पुराने दोस्त जो हैं वो जमा होती जा रही हैं इस प्रोग्राम में। जी फरापी, आपकी रेसिपी बहुत मज़े की होती है ना, आपके अलावा किसी और का प्रोग्राम देखने को दिल ही नहीं करता। क्या बात है यार, तुम्हारी वफा के आलम पे कुर्बान जाऊँ मैं। सही बात है फरा। अच्छा और फरा आप ठीक है, रमजान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत खूबसूरत जा रहा है, तुम सब दोस्तों के साथ मिलके बहुत मजा आ रहा है। फरा आपको वैसे हम याद हैं? बिल्कुल याद हो, क्यों, तुम मैंने पहचाना नहीं तुम्हें भला? अच्छा ठीक है फरा, बस आपको विश करना था, अब आपने जाना। अच्छा ठीक है यार, मुझे सोचना पड़ेगा, फाइनेंस प्लीज और करें इस मसले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर जो है प्याज गुलाबी हो रहे हैं, ठीक है, और जब ये प्याज हमारे गुलाबी हो जाएंगे तो हम दोस्तों ऐसा करेंगे कि हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक और दाल, और फिर ऑब्वियसली हम इसमें पानी डालेंगे। मैं आपको स्टेप वाइज बताती जाऊंगी कि क्या क्या प्रोसेसिंग हमें करनी होगी। तो थोड़ा सा एक दफ़ा चिकन को भी जो है हिला लेते हैं, और चिकन जो होता है जब हम कढ़ाई तैयार करते हैं तो हमें इसमें फ्राई करना होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम इसकी बाकी की प्रोसेसिंग करेंगे। यानी पहले स्टेप पे मैं ये करूँगी कि चिकन को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, हल्का जो है गोल्डन ब्राउन करना है मुझे, और फिर उसके बाद जो है मैं इसी कढ़ाई में जो है डालूँगी लहसुन और अदरक और टमाटर, उनको मॉइस्ट करूँगी, नरम करूँगी, फिर वापस इसमें चिकन डालूँगी। तो ये थोड़ी सी स्टेपिंग है, हम जनरली बनाते हैं जब कढ़ाई तो हमें अपने अपने तरीके से हर खातून जो है वो कढ़ाई बनाती है, बट ये टिपिकल जो ढाबे पे जो लोग कढ़ाई बनाते हैं ना उनका ये तरीक़ेकार है। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि मैं ज़ारा ये प्रोसेसिंग कर रही हूँ अभी,
तो मेरे पास हो गया एक ब्रेक का टाइम। मैं मीनवाइल सिर्फ ये करूँगी कि दाल ताकि पक जाए, प्याज गुलाबी होंगे, लहसुन अदरक डाल के मैं इसके अंदर जो है दाल डाल दूँगी और बाकी की तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके वापस आने पर डालूँगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया और आप जानते हैं जायका इसी में, तो हमारे साथ रहिएगा।